अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए पांच राज्यों की विशेष खबरें। सुखना लेक पर घूमने गई लड़की पर गिरी आसमानी आफत, हुई मौत। सेक्टर 22 दो बहनों का कातिल एक दिन बाद गिरफ्त में। वीरवार को हरियाणा के जींद में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले हरियाणा में 70+ का लक्ष्य। हाईकोर्ट की फटकार के बाद वकील लौटे अपने कामों पर। भाखड़ा बांध के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए खोले गए फ्लड गेट। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की ओर से देश के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की सराहना की। ऊना में श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिरी, 30 से ज्यादा घायल। समुन्द्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई पर होगी 21 किलोमीटर मैराथन। 51वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को इस बार 70 सीटें जीतने का हौसला दिया। महिलाओं को मुफ्त सफर करने की योजना पर वित्त विभाग ने उठाया सवाल। अब खबरें विस्तार से। सुखना पर घूमने गई 19 साल की युवती पर वीरवार शाम आसमानी बिजली गिर गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी दोस्त आरती ने बताया कि हल्की बारिश हो रही थी, एकदम धमाका हुआ, बिजली सीधे तमन्ना पर गिरी, मैं भी बेहोश हो गई। तमन्ना के पिता अलाउद्दीन डेराबस्सी में रेहड़ी पर सामान बेचते हैं। सेक्टर 22 में रहती अबोर की दो सगी बहनों मनप्रीत और राजवंत की हत्या मामले में पुलिस ने जीरकपुर के कुलदीप सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। घटना 14 अगस्त देर रात की है। आरोपी कुलदीप और मनप्रीत में प्रेम संबंध थे। कुलदीप को शक था कि मनप्रीत कौर का किसी से चक्कर है। वारदात की रात वह दोनों बहनों के घर मनप्रीत का मोबाइल चेक करने गया था। इस दौरान हुई कहासुनी में उसने मनप्रीत के साथ राजवंत का भी कत्ल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2019 का शंखनाद किया, साथ ही विरोधियों को ललकारते हुए मिशन 70+ का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अखंड भारत की राह में रोड़ा थी, देश की एकता के लिए धारा 370 हटानी पड़ी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद आखिरकार वकीलों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय ले ही लिया है। हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण के गठन के विरोध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 25 जुलाई से हड़ताल पर थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई आम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा सरकार ने ट्रिब्यूनल को लेकर जो कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए। भाखड़ा डैम में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शुक्रवार शाम को इसके फ्लड गेट खोल दिए गए। पीएमबी मैनेजमेंट ने 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिन पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश की आशंका जताई है। भारतीय सेना के पूर्व अफसर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की ओर से देश के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने के ऐलान का स्वागत करते हुए इस देश की रक्षा सेनाओं के कमांड ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफ़ी देर से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का केंद्र सरकार का फैसला सराहनीय है। ऊना के निकट बाबा बड़वाग सिंह मैडी पर माथा टेक कर वापस आ रहे श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार 30 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है। लाहौल के केलोंग समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ पैदल चलने से ही सांस फूल जाती है, वहाँ हाफ मैराथन से लोग स्वच्छता का संदेश देंगे। स्वच्छता अभियान की अलग को चीन सीमा तक पहुंचाया जाएगा। 19 अगस्त को मैराथन होगी, यह दौड़ 21 किलोमीटर की होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 51वें जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर जीतेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने 51वें जन्मदिन पर सिविल अलायंस स्थित निवास पर बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिलाओं को डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कराने की योजना को लागू करने की प्रक्रिया सरकार के वित्त विभाग ने सवाल उठाए हैं, साथ ही योजना का गलत इस्तेमाल होने की भी आशंका जताई है। परिवहन विभाग की तरफ से तैयार कैबिनेट नोट के ड्राफ्ट पर वित्त विभाग ने अपनी राय दी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।